मेरा बेटा है जो है जेएनयू में जेएनयू का छात्र था और जो फॉरेन लैंग्वेज के चाइनीज लैंग्वेज का स्टूडेंट था, तो वो भी जो जैसा बताया गया कि जो मजदूरों के किसानों के या दलितों के जो अधिकारों को उनके कुचलने के जो षड्यंत्र होते हैं उनके खिलाफ जो भी आंदोलन किए जाते थे उनमें वो एक सांस्कृतिक तरीके से भाग लेता था और जनवादी गाने वगैरह गाकर लोगों को शिक्षित करता था। तो इसी क्रम में वो पुलिस के निगाहों में या शासन के निगाहों में उसके खिलाफ जो है साजिश रची गई। तो वो उसका बचपन से, उसके बारे में बता दूं, ये बचपन से उसका एक हाथ में कुछ बीमारी थी हेमाटोमा करके, जिससे हाथ जिसका इलाज हमने उसको मद्रास किसी बड़े हॉस्पिटल में कराया। तो उसके चारों उंगलियां उसकी निकाल दी गई, पांव का एक अंगुली उसके अंगूठे के बदल में लगाया गया। तो इस प्रकार उसके इलाज के लिए काफी हमने संघर्ष किया। उसके बाद उसका एडमिशन जेएनयू में, वैसे वो एमएससी मैथ से है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, वहां भी वो बहुत सारे आंदोलनों में भाग लेता रहा। उसके बाद यहाँ उसका सिलेक्शन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में हुआ। तो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए उसको सबसे पहले 2013 में वो किसी अपने इलाज के संदर्भ में यहाँ से चेन्नई या उस तरफ कोई एक कोई हॉस्पिटल था, उससे कंसल्ट करने जाना था। तो बल्हार शाह ने उसको, चूंकि ये आंदोलन के भाग लेने के संदर्भ में या शासन उसको विरोधी मानते हुए उसको वहां पर पकड़ा गया और वहां से हेरी जो है, जो आपका गढ़चिरौली जिले का नक्सलाइट एरिया में आता है, बताते हैं कि वहां पर दिखाया गया कि ये जंगलों में जा रहे थे और माओवादियों से मिले कुछ संदेश जीवन साईं बाबा द्वारा भेजा हुआ संदेश लेके जा रहे थे। तो ऐसी पूरी कहानी, दो दिन इलीगल टॉर्चर में रखा उनको, उसके बाद तीसरे दिन उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो उसी बीच मेरे को भी जब सूचना वहां किसी वहां एक शमशेर सिंह मिस्त्री हैं उन्होंने, तो वो भी लीडर उसके हैं, अभी वो एक्सपायर हो गए, तो उनके द्वारा मेरे को सूचित किया गया कि आपका बेटा उस वहां पकड़ा गया। तो उन्होंने बताया, तो हम उसके सीधे एक और साथी हमारे और हम तीन लोग वहां गढ़चिरौली से अहेरी गए। तो अहेरी में उनको कोर्ट में पेश करना था, उस दिन हम वहां पर मिले उनसे। तो उसमें बहुत सारे ये उनके दो जो है आदिवासियों का एक कहानी बना के, ये आदिवासी वहां से आ रहे थे और उनको कुछ एक पेन ड्राइव लेके देने गया था। तो वो लोग तीन साथी वहां पर थे, तो उन लोगों से हम मिले, तो सब सभी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसके बाद वहाँ के कुछ डेमोक्रेटिक लॉयर्स जो हैं वो, उनसे मुलाकात हुई नागपुर के और गढ़चिरौली के, जगदीश मेश्राम है और ये सुरेंद्र गोल्डिंग है। तो उनके बाद तब डिटेल से उसकी जानकारी उन लोगों ने उस केस को वहाँ पर लगा। उसके बाद हम मिले इधर साईं बाबा के, अभी उन पर कुछ उनके साथ भी कार्यक्रमों में भाग लेता होगा। तो इससे उस बीच जो तीन जो लोगों को एक साथ पकड़ा गया, उसके बाद प्रशांत राही और दूसरे एक वहां के एक और जो आदिवासी थे उनको पकड़ा गया। इसी संदर्भ में केस लगा के लास्ट में साईं बाबा को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसको जैसा कि अभी पहले बताया जा चुका। तो साथियों, जहाँ तक अभी पूर्व वक्ताओं ने और जो यहाँ पर संचालन मंच का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने एक ब्रीफ में तो बता दिया कि ऐसे ऐसे ये जो जो सत्ता है या जो राज्य करने वाले लोग हैं
वो जो है जो सही बात करते हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बोलते हैं या गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको जो है वो जो है टारगेट करते हैं और उनके झूठे मुकदमों में उनको यूएपीए जैसे मुकदमों में फंसाया जाता है। जैसा कि अभी हम पेपर्स से और प्रिंट मीडिया से और ये सब चीजों से हम देख रहे हैं कि जैसे भीमा कोरेगांव मामले में फंसाया गया लोगों को जो जिनका उनसे लेना देना नहीं था, वैसे ही इस केस में जीएन साहिब बाबा और ये छह लोग जो हैं उनको ये फंसाया गया। तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें जो डेमोक्रेटिक राइट है, जैसे कि भारत में भी 1947 में जो सो कॉल्ड जो आजादी मिली उसमें भी जो अधिकार हमारे संविधान में दिए गए रिटन संविधान में, वो जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक शिक्षा का, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उनको जो दिए गए हैं, उनको उन अधिकारों का भी यहाँ पर कोई पालन नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी तो जो फासिज्म का जो दौर आ रहा है बता रहे थे अभी, तो उसमें जो है वो सारे जो टॉप जो है इंस्टीट्यूशन है उनके सारे हेल्थ को कब्जा कर लेंगे, यहाँ तक कि जो है जुडिशियरी में भी अपना कब्जा जमाने की, ताकि जो है सरकार के पक्ष में वो फैसला दे सके। आप सब लोग जानते हैं कि जो है जब देश में प्रजातंत्र देश में रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज्य होना चाहिए, लेकिन कानून को जो राजा है या जो सत्ता में जो सत्तासीन लोग हैं वो अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहते हैं, जबकि कानून की नजरों में सभी लोग बराबर हैं और उनको सारे कानूनी राइट्स जो है उनकी रक्षा करना संविधान का काम भी है और जुडिशियरी का काम भी उनकी सेव करना है। आज के इतिहास में हमने आज तक के इतिहास में जैसे देखा कि जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों के लिए जो अभी जो है नागपुर हाईकोर्ट जो बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने छह के छह लोगों को एक्यूटल उनको रिहा मतलब उनको दोष मुक्त सिद्ध करार दिया गया और तुरंत उनको रिहा करने का आदेश भी माननीय जो जज हैं वहाँ के उन्होंने जो जज देव हैं उनके द्वारा दिया गया। तो उसी के तुरंत जो है आपके महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट ने किसान मेहता उनके जो सॉलिसिटर जनरल जो है उनके द्वारा वहाँ पर तुरंत जो है उसको उस एक्यूटर को रोकने के लिए वहाँ बेंच उनके द्वारा बुलाई गई और वो भी सरकार ने जबकि और रहता सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग या सारे वहां का सुनवाई, तो उसमें जबकि ऐसा रेयरेस्ट केसों में होता है जैसे किसी के मानवाधिकार किसी के स्वतंत्र फंडामेंटल राइट्स को जो है निरुद्ध किया जा रहा हो तो उस पर जो स्पेशल बेंच बुलाई जाती, यहाँ पर जब कोर्ट ने उनके जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको बहाल किया तो उन अधिकारों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उन को ये बेंच गठित की। तो ऐसा तो कोई ऐसा मामला था नहीं जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि दो दिन में आप मंडे को करें, यदि मंडे को होता तो क्या पता बाहर आ जाते। उसके बाद भी जो वहां पर हुआ तुरंत वो जो जमानत थी वो कैश श्योरिटी मांगी गई थी तो कैश श्योरिटी वो लेके गए थे गढ़चिरौली सेशन कोर्ट में, तो उस जज ने वहां के मैं तो लगा कि उनका गवर्नमेंट ने उनको वहां से रोक दिया कि आप किसी प्रकार की श्योरिटी को न लें और उसके बाद उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति वाला दें, तो तब तक उस कार्रवाई में उन लोगों को शाम के समय उस पर रोक लगा दी गई। तो ये सब जो एक ब्रांड तरीके से उस जजमेंट को रोकने का जो प्रयास किया जा गया ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जुडिशियरी के लिए न्याय व्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। तो इन सब अधिकारों के खिलाफ जब तक
सादे लोग सामने नहीं आएंगे, उनके खिलाफ एजुकेशन नहीं करेंगे, पूरा एक ऑर्गेनाइज ढंग से जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ते चले जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे जो शांति हैं, अभी तो ये प्रोफेसर साईं बाबा हेर मिश्रा या पत्रकार जो है ये सारे, और वो जो 12-13 लोग जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो जो भीमा दुर्गे गांव में है, वो तो जागरूक लोग हैं। ऐसे हजारों हजार जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनकी आवाज वहां पर कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसे बिहार के जेलों में, आंध्र प्रदेश के जेलों में सारे बंद हैं। अभी हमने सर जब जानकारी इसके बारे में ली, तो इस प्रकार ऐसे लोगों को की आवाज को भी वो उठाने के लिए ऐसे एक एक स्तर पे, निचले स्तर पे जो है जब तक संगठित नहीं होंगे, और एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन जो ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ जब तक नहीं होगा तब तक ये टॉर्च ये बढ़ता रहेगा। ये रिप्रेशन जो है ये बड़े खराब संकेत है। तो हमें ये जो अभी ये प्रोटेस्टर जी के जिन साई बाबा एंड जो पांचों लोग हैं, एक साथी पांडु नरोत्के की तो वहाँ इलाज के अभाव में वहां पर डेथ हो गया, उनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया जिससे उनका डेथ हो गया। वो लोग जानते भी नहीं, जब मैं घर चिरौली गया तो वो लोग भाषा भी नहीं समझते। उनके जो परिवार वाले आए थे तो बहुत बार पूछ रहे थे कैसे आएंगे बाहर, क्या होगा, और वो बड़ा वो लोगों का कोई सामान्य जो है किसान या आदिवासी लोग हैं जिनको ज्यादातर इस दुनिया का बारे में पता नहीं होता, तो ऐसे लोगों को फंसाया गया, उनकी आवाज भी उठाने वाला लोग चाहिए। ये सब यहाँ पर चर्चा तो हम लोग डिस्कशन में जैसे बहुत सारे मीटिंग होते हैं कि मैं जाते जाते अभी मैं मिलके आ रहा है निशा से, उधर आपका जो है ये जो है बॉम्बे से आगे कोल्हापुर जो है सेंट्रल प्रिजन है कमुंबा में, तो वहाँ मिलके आए तो मिलने में भी वहाँ बड़े परेशानी पैदा करते हैं। वो एक जो है आपका अंडर सेल में इन लोगों को रखा है, अंडर सेल में है जेल के अंदर, एक दूसरा जेल है तो उसके सिक्योरिटी उनको एक 10x6 का एक अंडा से एक सेल है उसमें रखते हैं, उसी में रहना सोना उसी फर्श पे, और कोई ज्यादा उस पर देने नहीं देते हैं। हम लोग पैसे भेज देते हैं उनको, तो वहां से जो सामान वामान मंगा लेते हैं। बहुत खराब हालत है जेलों में, तो 20 मिनट का टाइम मिलता है, थोड़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम इधर उत्तराखंड से आए हैं तो थोड़ा 10-5 मिनट कोई अच्छा जो है वहाँ पर इंस्पेक्टर हुआ तो, और जब हमारा ये माओवादी जो एक्टिव में उनको लगाया है उसके जो केस में सबसे लास्ट में उनको मिलना वहाँ पर मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, और उससे पहले वहाँ इंटेलिजेंस के सारे उसके जब हम चिट्ठी भी भेजते हैं उनका फोटो के पहले जेल वाला अपने पास रखता है, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, तो सर उसके बाद मनी ऑर्डर भी भेजते हैं जब वो होता है, उनको कोई बुक्स वगैरह देते हैं। अभी हम कुछ बुक्स लेके गए थे वो भी नहीं देने दिया, वो उन्होंने बोलता ये बताया कि जो है कुछ कैदी नीचे कपड़े वगैरह दिए थे वो आपस में लड़ गए तो सभी का बंद करा दिया। तो ये सब उधर बहुत सारी परेशानी है जेल के अंदर, तो 6-7 साल उन लोगों को वहां पर हो गया है। हालांकि उसमें हेलते भी वहां पर जो कैदी थे उनको कुछ पढ़ाने का जो इलिटरेट है उनको पढ़ा रहा है वहां पर, वो कुछ अपना बुक्स पढ़ के अपना कुछ लिख रहा है, तो ये बड़ा कठिन है वहां पर ऐसे मनोबल बनाए रखना। तो हमने भी तुरंत उस दिन हुआ तो हमारे लॉयर से भी कहा कि तुरंत वहां चले जाइए तो रिहाई हो सकती है, तो सारे भाई फ्लाइट हम लोग के कहीं से पैसों का इंतजाम करके, तो उसके बाद तो निराशा ही आप होगी। तो अभी जो 8 दिसंबर को शायद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मैं जो उनके हमारे लॉयर से हैं वहां वरुण या प्रदीप पंड्या उनसे भी मिला, उन्होंने सारा वो बोले कि सारे इसमें जो है कोई ऐसे टेक्निकल ग्राउंड पर भी कोई ऐसा मामला नहीं बनता है, और मैरिट पर भी अगर ये केस आएगा तो भी नहीं बनता है,
तो इस जजमेंट से स्पेशल जो है वो उसको बुलाया बेंच, तो इससे ये लगता है कि जानबूझ के वो किसी भी तरह उनके उनका जो एक्विपमेंट है उसको निरस्त करना चाहती है सरकार। तो इसके खिलाफ जब तक उससे काउंटर जो है हमारा वो नहीं होगा तो ये ऐसी शक्तियां आगे वो बढ़ती रहेंगी। तो बाकी मैं इससे डिटेल से तो क्या बताऊं, मैं एक थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बता दिया है। और हम लोग भी, मैं भी एक टीचर्स यूनियन से हूँ, मैं भी उसमें लीडर रहा, तो हमें सब जानकारी है कि क्या क्या होता है सरकार में, क्या नहीं होता है। तो जो भी इससे पहले जो भी कुछ सरकारें कुछ लिबरल होती हैं पहले की थोड़ा बिल्डर थी, हालांकि कांग्रेस की गवर्नमेंट के भी ये केस हुआ, कोई भी जो है आ सकता है वो अपने खिलाफ जो है कोई उसको थोड़ा लिबरल तरीके से लेता है, लेकिन कोई और भी कोई नीचे के लोग भी उस सत्ता में चले गए तो वो भी वही शासन के खिलाफ जो आवाज जो उठाते हैं उनकी गलत नीतियों के उसके खिलाफ उसमें वो कानून लिए पिए जो और भी जो पहले कानून है उसको वो लागू करते हैं, ये सही बात के लिए। और जैसे अपराधी घूमने दूसरे प्रकार के कैदी हैं हो रहे हैं जो आर्थिक अपराध कर रहे हैं जो सामाजिक अपराध कर रहे हैं उन लोगों को बचाया जाता है। में पढ़ जाता है या टेलीविजन पे हमने देखा जो दो लोग जो उनके सत्ता वाले के थे जिन्होंने वो हिंसा फैलाई उनको तो पूरा बचाया गया और अब आगे चलते लोगों को उन झूठे केसों में फंसाया गया। और रुना मिल्सन के तो लैपटॉप में ये डाल दिया गया, वो बता रहे थे उसमें आया कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे, एक लेटर फेक लेटर उसमें डाल दिया गया। तो ऐसे उनके लिए ये कानून का राज तो हम इसको नहीं कह सकते, जो हमारी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है तो उसके लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। अभी बहुत सारे जैसे डिसीजन आए हैं उन डिसीजनों को देखने का भी इन्होंने जहमत नहीं उठाई, जिनमें कि बहुत सारे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे डिसीजन है जिनमें ऐसे ही उसमें हुआ है, जैसे केशवानंद भारती है, सोमराज भारती वर्सेज स्टेट ऑफ है, बच्चन सिंह है, बीसी वाधवा केस है, अगर आप देखेंगे तो इन केसों में भी हालांकि सुप्रीम को कानून को जो है उसकी व्याख्या करने का उसको बचाने का उसका दायित्व होता है, तो ये सब इनको नकारा गया है इस जजमेंट में। आखिर एक जज महोदय ने जो जजमेंट एक्टिटल कर दिया उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी उपवास किया गया। और हमें उम्मीद है कि देर सवेर जब इसके खिलाफ हम काफी लड़ेंगे, हमारे लॉयर्स जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो करेंगे, तो एक बार एक्विटल तो होगा ही होगा ऐसे। ये बाकी थैंक्स।